ये न्यू अल्टरनेटर है, ये मैं चेक करके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। BS6 टाटा सिग्ना 4830 में ये लगाया जाता है। ये अल्टरनेटर आप देख सकते हैं, इसे इसका पार्ट नंबर भी आप देख सकते हैं। ये न्यू अल्टरनेटर है, इसे मैं 12 वोल्ट की बैटरी से आपको चेक करके बताऊंगा एक सीरीज के माध्यम से। ये हमारा बल्ब सीरीज है, इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ये अल्टरनेटर कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये हमारा पॉजिटिव है, यहाँ B+ लिखा हुआ है, और ये हमारा नेगेटिव है, और ये जो एक है ये हमारा बैटरी सिग्नल इंडिकेट करता है। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। ये हमारा नेगेटिव वायर है, ये जो ब्लैक वाली है ये हमारी नेगेटिव वायर है। तो मैंने नेगेटिव को नेगेटिव पे डालना है, ये नेगेटिव को मैंने नेगेटिव पे डाल दिया, और ये हमारी पॉजिटिव वायर है, ये मैंने पॉजिटिव को मैंने पॉजिटिव पे डाल दिया। ये हमारी नेगेटिव पॉजिटिव हो गई, और एक मैंने बल्ब सीरीज के माध्यम से एक मैंने यहाँ पे पॉजिटिव पे लगा दिया और ये नेगेटिव पे, तो ये हमारी बल्ब बिलिंग कर रही है। और ये हमारी बैटरी सिग्नल इंडिकेट करती है, ये वाली सिग्नल, ये जो बैटरी सिग्नल इंडिकेट करती है, यहाँ पे ये बैटरी सिग्नल लग गया। अब इससे रोटेट करने के बाद ये हमारी जो बत्ती है ये बुतनी चाहिए, ये जो हमारी रोटेट होती है जब ये घूमता है तो ये बत्ती बुतनी चाहिए, और इसमें कुछ मैग्नेट बताता है, ये देख सकते हैं, ये मैग्नेट बता रहा है, ये देख सकते हैं, बहुत कम मैग्नेट बता रहा है क्योंकि ये 12 वोल्ट है। तो अब ये जब घूमेगी तो ये बत्ती बुतनी चाहिए, ये बत्ती बुझनी चाहिए, ये जो घूमने के बाद ये जो बत्ती है ये रेड वाली बत्ती, ये बैटरी सिग्नल बताती है। जब मैंने क्लस्टर मीटर पे, यहाँ सिग्नल जाता है क्लस्टर मीटर पे, तब ये जाके बुझ जाती है स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि ये घूमता है तब जाके ये बुझ जाती है। तो मैंने इसे आप देख सकते हैं गाड़ी पे सेट कर दिया है। सेट करने के बाद मैं इसे स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे स्टार्टिंग के बाद हमारी जो रेड सिग्नल बैटरी की होती है वो कैसे बुझ जाती है। तो चलिए मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये हमारी इंजन स्टार्ट है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में हमारा इंजन स्टार्ट है। अब मैं ले चलता हूँ अपने क्लस्टर मीटर के पास। न्यू अल्टरनेटर इंस्टॉल किया गया है इस गाड़ी में, क्योंकि इसकी अल्टरनेटर जो है वो ख़राब हो गई थी। तो चलिए क्लस्टर मीटर पर चलते हैं। ये क्लस्टर मीटर है हमारा, आप देख सकते हैं इसमें कोई बैटरी सिग्नल नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी गाड़ी स्टार्ट है इसलिए बैटरी सिग्नल बिलिंग नहीं कर रही है। और ये देख सकते हैं हमारा जो वोल्टेज भी शो करता है इस पर, वो वोल्टेज भी 27 वोल्ट शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी अल्टरनेटर प्रॉपर चार्ज दे रही है। बैटरी सिग्नल अगर इस क्लस्टर मीटर पे रह जाता है गाड़ी स्टार्ट होने के बाद, तो हमारी अल्टरनेटर बिल्कुल काम नहीं कर रही है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।